हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इंजन्स हमारा जो चैप्टर चल रहा है कंस्ट्रक्शनल एंड फंक्शनल डिटेल्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन। हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक जिसका नाम है इग्निशन टाइमिंग। इग्निशन टाइमिंग क्या होता है सबसे पहले तो वो समझते हैं। तो के लास्ट टाइम जो हमने अपना प्रेजेंटेशन में देखा था उस तरीके से कि सिलेंडर जो है उसके अंदर जो पिस्टन है, हमने ये यहाँ तक हमने समझा हुआ है कि पिस्टन जब टीडीसी के ऊपर पहुँचता है एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक, तो कि हम यहाँ पे देखें तो कि एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड पे, सही है, तो उस दौरान स्पार्क लगे तो स्पार्क प्लग को स्पार्क करना है, और अगर डीजल इंजन है तो डीजल को क्या करना है, डीजल इंजन में फ्यूल जो है वो इंजेक्ट करना है इंजेक्टर को। अगर ये टाइमिंग जो है स्पार्क टाइमिंग अगर पहले हो जाए या उस टाइम पे हो या उसके बाद हो, यानी प्री इग्निशन परफेक्ट टाइम पे जो इग्निशन हो रहा है वो, यानी नॉर्मल कंबस्टन, और आफ्टर बर्निंग या तो इग्निशन डिले, तो ये जो भी चीज़ें हैं कि अगर पिस्टन जो है वो पूरा टीडीसी पे पहुंच जाता है, पिस्टन पूरा टीडीसी पे पहुंच जाता है और उसके बाद अगर स्पार्क प्लग स्पार्क कर रहा है तो क्या होगा, और अगर पिस्टन अभी कंप्रेशन स्ट्रोक आधा ही हुआ है, हाफ रिवॉल्यूशन, और उसी दौरान अगर स्पार्क प्लग स्पार्क कर देता है बिफोर स्पार्क, तो क्या फिनोमिनन या तो क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। राइट टाइम पे स्पार्क करना और पर्टिकुलर जिस सिलेंडर में हमको चाहिए, जो फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से हमें चाहिए कि फोर सिलेंडर इंजन है तो 1, 3, 4, 2, तो पहले वाले सिलेंडर में स्पार्क करना है, फिर थर्ड नंबर में, फिर फोर्थ नंबर में, और फिर सेकेंड नंबर में। आप ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो सब्जेक्ट है उसमें भी आप पढ़ रहे होंगे बैटरी इग्निशन सिस्टम और मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम, लेकिन ये जो इग्निशन सिस्टम है उसमें हम फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से तो सेट किया हुआ है हमने, लेकिन फायरिंग ऑर्डर इतना हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है कि हाँ पहले सिलेंडर में हमने पहला रख दिया, फिर थर्ड में रख दिया, फिर फोर्थ में रख दिया, और फिर सेकेंड में रख दिया, लेकिन अब हमारे लिए ये ज़रूरी है कि फर्स्ट सिलेंडर में हमने स्पेसिफाई किया है कि फर्स्ट सिलेंडर में स्पार्क होगा, देन आफ्टर थर्ड में होगा, देन आफ्टर फोर्थ में होगा, और उसके बाद एट द एंड सेकंड में होगा फॉर बैलेंसिंग के लिए। लेकिन फर्स्ट सिलेंडर में स्पार्क करना है, लेकिन कौन से टाइम पे करना है, विच टाइम इज अ सूटेबल फॉर इग्नाइटेड ऑफ फ्यूल, कि जो सिलेंडर के अंदर जो फ्यूल है उसके लिए कौन सा टाइम प्रिफरेबल है या सूटेबल है, कॉम्प्रेशन के एंड से पहले, या कॉम्प्रेशन के एंड में, या पावर स्ट्रोक के स्टार्टिंग पे, या आधा कॉम्प्रेशन हुआ है तभी, या आधा पावर स्ट्रोक हो जाए तब। अब ये सभी हमको स्टडी करना है सबसे पहले तो कि क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम फिगर में देखें तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से हो रहा है, तो आपको समझ में आएगा जिस तरीके से सक्शन, उसके बाद ये कंप्रेशन, तो कंप्रेशन के एंड पे जब आप देखोगे तो अभी तो कंप्रेशन के एंड पे आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि कंप्रेशन के एंड पे पिस्टन पहुँचता है, जैसे आप देख सकते हो, उससे पहले स्पार्क प्लग क्या कर देता है, स्पार्क कर देता है, ठीक है। अब जबकि यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर है तो फ्यूल क्या कर रहा है, इंजेक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ हो ये रहा है कि जो सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर है वो सिलेंडर के अंदर का अगर इंजेक्टर इंजेक्ट कर रहा है बिफोर द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक, कि कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा होने से पहले, कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा होने से पहले अगर इंजेक्टर इंजेक्ट कर रहा है, लेकिन ये चीज़ भी ज़रूरी है यहाँ कि सिलेंडर के अंदर उतना सफिशिएंट टेम्परेचर और प्रेशर क्रिएट होना चाहिए
कि वो जो फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है उसको क्या कर सके, इग्नाइट कर सके। यानी कि कंप्रेशन स्ट्रोक हम पूरा नहीं कर रहे, यानी कि कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा होने से थोड़े डिग्री पहले, 8 to 18, 8 से 18 डिग्री पहले हम क्या करते, डीजल में फ्यूल इंजेक्ट करते और पेट्रोल में स्पार्क से हम स्पार्क करते हैं। अब जब ये चीज़ हो रही है, दैट मीन्स इस दौरान हमारे लिए सफिशिएंट टेम्परेचर सिलेंडर में क्रिएट होना ज़रूरी है। इट्स अ मैंडेटरी टू अ सफिशिएंट टेम्परेचर फॉर इग्नाइट फ्यूल। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं हो रही है तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो कि मिसफायर हो जाएगा, या तो सिलेंडर जो है वो क्या करेगा, मिसफायर करेगा, या फिर वो सिलेंडर जो है वो मिस इग्नाइट, यानी कि उसमें इग्निशन ही नहीं होगा, या तो इग्निशन डिले होगा, यानी कि इग्निशन लेट से होगा, देरी से होगा। जैसे हम यहाँ पे पहले बेसिक से शुरुआत करें, जो ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम के हिसाब से आपने जो पढ़ा हुआ है वो अब हमारे इंजन के साथ हम इंटरलॉक करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सभी पार्ट्स के बारे में समझ लेते हैं हम, तो आपको समझ में आएगा। जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो, बैटरी, इग्निशन स्विच, उसके बाद बैलास्ट रजिस्टर दिया हुआ है, इग्निशन कॉइल दी है, कंडेंसर है, कॉन्टैक्ट ब्रेकर है, डिस्ट्रीब्यूटर है और स्पार्क प्लग है। जैसे बैटरी है तो इग्निशन स्विच दिए, इग्निशन स्विच यानी क्या, आप जो की लगाते हो ना उसको हम इग्निशन स्विच कहते हैं। बैलास्ट रजिस्टर क्या है कि वो जो करंट है, ठीक है, तो वो जो वोल्टेज और करंट जो है, तो वोल्टेज जो है जिस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इग्निशन कॉइल, तो इग्निशन कॉइल जो है वो एक तरीके से ट्रांसफॉर्मर का काम करती है। यहाँ पे किसका काम करती है, तो कि ट्रांसफॉर्मर, बिकॉज आप पहले पढ़े हुए हो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कि ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अ वोल्टेज विदाउट चेंज इन फ्रिक्वेंसी। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज को बढ़ाती है या कम करती है, लेकिन उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, करंट फ्लोइंग इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी, उसको वो चेंज नहीं होने देती। जिस तरीके से हमारे यहाँ पे 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी पे पावर सप्लाई होता है, तो जो पावर सप्लाई जो हमारा 50 हर्ट्ज़ पे, तो वो 50 हर्ट्ज़ पे ही रहेगा, चाहे आप उसके वोल्टेज बढ़ा दो चाहे आप उसके वोल्टेज कम कर दो बाय यूजिंग अ ट्रांसफॉर्मर। समझ में आया। अब यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर हमने यूज़ किया वही है हमारी एक इग्निशन कॉइल, लेकिन इग्निशन कॉइल यहाँ पे क्या है, तो कि एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, इसको हमने इग्निशन कॉइल नाम दिया है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, ये कॉइल इग्निशन के लिए, यानी कि अब हम एक चीज़ समझे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इग्निशन कॉइल पे भी जो बैलास्ट रजिस्टर में से जो ब्लू कलर की लाइन आ रही है आप देख सकते हो, वो जो है अंदर स्काई ब्लू एक वाइंडिंग किया हुआ है, और वो स्काई ब्लू वाइंडिंग वापिस ब्लू कलर की लाइन में से होके वो कंडेंसर में जा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब ये जो है जिसको हम कॉन्टैक्ट ब्रेकर कहते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्टैक्ट ब्रेकर, कंडेंसर जो होता है वो स्पार्क जो लीक हो रहा है उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है, जबकि ये रेड कलर की जो लाइन है जिसके ऊपर आप देख सकते हो वाइंडिंग्स बहुत सारे किए हुए हैं, तो वाइंडिंग्स बहुत सारे किए हुए हैं उसका मतलब ये है ये वोल्टेज को बढ़ाता होगा। अगर प्राइमरी वाइंडिंग जो है उसके वाइंडिंग्स, नंबर ऑफ वाइंडिंग्स से ज़्यादा सेकेंडरी वाइंडिंग है, नंबर ऑफ टर्न्स जो कॉइल के ऊपर जो आप टर्न ले रहे हो, कितनी बार आप उसके ऊपर गोल गोल घुमा के टर्न ले रहे हो, वो अगर सेकेंडरी वाइंडिंग पे ज़्यादा है तो वो वोल्टेज अप करेगा, यानी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बनेगा। अगर टर्न्स कम है तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बनेगा। जिस तरह से हम मोबाइल चार्ज करते हैं हमारे घर में, अब हमारे घर में जो पावर सप्लाई है वो 220 वोल्ट का है,
लेकिन हमारे फोन को पावर सप्लाई कितना चाहिए, तो क्या मैक्सिमम 5 वोल्ट। अब 220 वोल्ट पावर सप्लाई हम इसको देंगे तो मे बी इट कैन बी ब्लास्ट। उसकी वजह से हम वहाँ पे एडेप्टर यूज़ करते हैं, और वो जो एडेप्टर होता है उसके अंदर एक ट्रांसफार्मर डिवाइस होती है। वो जो ट्रांसफार्मर क्या करता है, 220 वोल्ट को स्टेप डाउन करके 5 to 6 वोल्ट पे ला देता है। और दूसरी बात ये होती है, हमारा फोन डीसी पे ऑपरेट होता है तो उसके अंदर एक रेक्टिफायर डिवाइस होती है जो एसी को किस में कन्वर्ट कर देती है, डीसी में। और रेक्टिफायर विच इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट एसी करंट इनटू अ डीसी, इसमें ये करंट को कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे हम समझे आगे, तो अब जो प्राइमरी जो वाइंडिंग है उसका जो करंट है वो कहाँ जा रहा है, तो कि डिस्ट्रीब्यूटर में जा रहा है। यहाँ पे ये जो गोल है वो डिस्ट्रीब्यूटर है, आप देख सकते हो। अब डिस्ट्रीब्यूटर पे यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूटर के पॉइंट्स। और बीच में जो रेड कलर है जो सेंट्रोइड में आप देख सकते हो यहाँ पे, वो है उसका रोटर। वो किस तरीके से काम करता है, और उसके चारों चार एंड्स जो है यहाँ पे, वो एच टी केबल यानी हाई टेंशन केबल। हाई टेंशन केबल के ज़रिए वो स्पार्क प्लग पे कनेक्टेड होते हैं, और स्पार्क प्लग का दूसरा जो एंड होता है वो अर्थ किया हुआ होता है। अब वो किस तरीके से वो हम आगे समझते हैं। यहाँ पे हम देखें तो बैटरी, उसमें से ये ग्रीन लाइन, इग्निशन स्विच, वहाँ से रजिस्टर, इग्निशन कॉइल में गई, इग्निशन कॉइल में से 2 लाइन, एक गई कहाँ पे कॉन्टैक्ट ब्रेकर में और दूसरी डिस्ट्रीब्यूटर में। डिस्ट्रीब्यूटर में आप देख सकते हो ये रजिस्टर, इग्निशन कॉइल, डिस्ट्रीब्यूटर और स्पार्क प्लग, और दूसरी जो लाइन थी वो कॉन्टैक्ट ब्रेकर में चली गई। यानी कि ये आपको फ्लो दिखा रहा है कि किस तरीके से वहाँ पे फ्लो होता है इग्निशन कॉइल और पूरी बैटरी इग्निशन सिस्टम में। इसको बैटरी इग्निशन सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बैटरी से ऑपरेट हो रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो नेगेटिव को क्या किया हुआ है, अर्थ किया हुआ है, और पॉजिटिव से पावर सप्लाई दिया जा रहा है। पॉजिटिव जो है यहाँ पे आप देखो तो सिर्फ एक ही केबल पे पूरी सिस्टम वर्क कर रही है। जैसे हमारे घर में क्या होता है तो कि 3 केबल्स पे वर्क करती है, एक अर्थिंग किया होता है और दूसरे 2 केबल होते हैं जिसमें से पावर सप्लाई और एक को न्यूट्रल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ही केबल है जिसको हमारे ऑटोमोबाइल के लैंग्वेज में वायरिंग हार्नेस कहते हैं। ये स्पेशलाइज ऑटोमोबाइल वायरिंग सिस्टम होती है कि जिसके अंदर हम वायरिंग को जितना हो सके उतना कम करें, उसके लिए यहाँ पे वायरिंग हार्नेस सिस्टम यूज होती है जो आपको AES सब्जेक्ट में आपको पढ़ने में मिलेगा। अब यहाँ पे हम आगे देखें तो ये इग्निशन सिस्टम किस तरीके से काम करे, इसको समझने के लिए हम सिर्फ ये बैटरी इग्निशन सिस्टम समझ रहे हैं कि यहाँ से पॉजिटिव जो चार जो पॉजिटिव केबल है बैटरी का वो गया इग्निशन स्विच, इग्निशन स्विच में से रजिस्टर, रजिस्टर में से कॉइल में गया इग्निशन कॉइल, इग्निशन कॉइल में से 2 सप्लाई, जो सेकंड प्राइमरी वाइंडिंग था वो एक तो के कॉन्टैक्ट ब्रेकर, एक सेकेंडरी वाइंडिंग जो गया सीधा कहाँ पे, तो के डिस्ट्रीब्यूटर, और डिस्ट्रीब्यूटर में से स्पार्क प्लग। यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते किस तरीके से सप्लाई हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो वर्किंग सिस्टम किस तरीके से, बैटरी के ऊपर आप देख सकते हो इग्निशन स्विच दी हुई है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट ब्रेकर क्यों दिया है, तो कि कॉन्टैक्ट ब्रेकर इसलिए दिए हुए कि जिस दौरान ये रोटर घूम रहा है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये रोटर घूम रहा है। अब क्या है कि जब ये जो पॉइंट को कनेक्ट होता है, यहाँ पे ये पॉइंट कनेक्ट हुआ तो यहाँ से स्पार्क पास हुआ, आप देख सकते हो स्पार्क प्लग में। लेकिन जिस दौरान ये दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट के बीच में यहाँ पे ये जब स्पार्क नहीं हो रहा है, कोई भी स्पार्क प्लग में स्पार्क नहीं हो रहा है, तो उस दौरान वो करंट जाएगा कहाँ, तो इस दौरान आप देख सकते हो कि वो करंट कहाँ जा रहा है। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जिस दौरान कोई भी स्पार्क प्लग में स्पार्क नहीं हो रहा है तो उस दौरान वो करंट कहाँ जाता है, इग्निशन कॉइल में। अभी इग्निशन कॉइल में येलो कलर जा रहा है, आप देख सकते हो, जैसे ही स्पार्क में स्पार्क करेगा तो वो सप्लाई कॉन्टैक्ट ब्रेकर में बंद हो जाता है। यानी कि जिस दौरान करंट जो है, यानी कि पावर सप्लाई जो है, वो हम जैसे ही स्पार्क प्लग को प्रोवाइड करते हैं तो कॉन्टैक्ट ब्रेकर क्या हो जाता है, वहाँ पे पावर सप्लाई बंद हो जाता है, कॉन्टैक्ट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट छूट जाता है और वहाँ पे पावर सप्लाई बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही स्पार्क प्लग पे पावर सप्लाई नहीं दिया जा रहा है, यानी कि बीच में
वो जो कैम है बीच में जो घूम रही है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर में कैम है। जैसे दो स्पार्क प्लग के बीच है, यानी कि कोई भी स्पार्क प्लग में स्पार्क्स यानी पावर सप्लाई नहीं जा रहा है, तो उस दौरान वो जो करंट है वो सीधा का सीधा इग्निशन कॉइल में से कहाँ चला जाएगा, कॉन्टैक्ट ब्रेकर में। और कॉन्टैक्ट ब्रेकर में आप देख सकते हो कि क्या होगा, तो कि जैसे अभी येल्लो पास हो रहा है, ये ब्लू हो गया, अब येल्लो हुआ आप देख सकते हो। और कंडेंसर क्या करता है, तो कि स्पार्क को कंट्रोल करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंडेंसर है, आपको दिख रहा होगा कि जैसे येल्लो सप्लाई, यानी कि आप देख सकते हो ये येल्लो सप्लाई हुआ। कभी कभी क्या होता है कि कंडेंसर यानी कि कॉन्टैक्ट ब्रेकर जो उसके अंदर स्पार्क लीक होने के चांसेस होते हैं, तो वो जो स्पार्क को कंट्रोल करना है वहाँ पे, वो किसका काम है, कंडेंसर का काम है। यहाँ पे कंडेंसर यानी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हम ऐसे सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे कंडेंसर का काम ऐसा है कि जो स्पार्क को कंट्रोल करता है। यहाँ पे आप सिर्फ इतनी सिस्टम देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये सिस्टम काम कर रही है, कि जैसे ऊपर करंट सप्लाई जैसे ही बंद होता है, और जिस दौरान आप कैम का रोटर देखो तो जिस दौरान स्पार्क के पॉइंट को टच नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी टच नहीं हो रहा है, तो जो दो एंगल है उसको क्या हम बोलते हैं, ड्यूअल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, DWELL एंगल, ड्यूअल एंगल। अब ये जो ड्यूअल एंगल यहाँ पे कितना हो सकता है, तो 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि फोर सिलेंडर इंजन है और डिस्ट्रीब्यूटर का रोटर कितना घूमता है, तो क्या 360 डिग्री। जब 360 डिग्री घूमता है और डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर कितने, तो क्या 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे कितना सिलेंडर इंजन है, तो क्या 4 सिलेंडर इंजन है, तो 360 डिवाइड बाय 4 यानी कि 90 डिग्री। यानी आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक पॉइंट जो है डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर वो 90 डिग्री पे लगाए हुए हैं। यानी कि जिस दौरान स्पार्क नहीं हो रहा है, यानी कि स्पार्क प्लग में स्पार्क नहीं हो रहा है, यानी कि अभी आप देख सकते हो नहीं हो रहा है, ये स्पार्क हुआ यहाँ हुआ, अभी नहीं हो रहा है, तो ये जिस दौरान स्पार्क नहीं होता स्पार्क प्लग में, वो जो एंगल है, एंगल बिटवीन द टू कॉन्टेक्ट पॉइंट्स इन दिस डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर के दो ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे स्पार्क प्लग में पावर सप्लाई नहीं जा रहा है, वो जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूअल एंगल बोलते हैं। और ये ड्यूअल एंगल के दौरान करंट कहाँ पा यानी कि पावर सप्लाई कहाँ जा रहा है, तो के पावर सप्लाई कॉन्टैक्ट ब्रेकर में जा रहा है। अब हम आगे समझते हैं स्पार्क प्लग। यहाँ पे आप देख सकते हो स्पार्क प्लग में किस तरीके से ऊपर इंसुलेट किया हुआ होता है, ये पावर सप्लाई आया, और लास्ट में जो एंड है यहाँ पे आप देखो ये गैस आयोनाइजेशन, यानी वहाँ पे गैप होती है, वो जो गैप है जिसकी वजह से वहाँ पे क्या क्रिएट होता है, स्पार्क क्रिएट होता है, वो ग्राउंड इलेक्ट्रोड है, और बीच में से जो पास हो रहा है उसको हम सेंटर इलेक्ट्रोड कहते हैं, वो ग्राउंड यानी अर्थ इलेक्ट्रोड हम जिसको कहते हैं उसको अर्थिंग क्या होता है, यानी वहाँ पे करंट क्या होता है, जंप करता है गैप की वजह से। यहाँ पे आप जो गैप देख सकते हो, तो वो जो गैप है जिसके अंदर ये जैसे पावर सप्लाई हुआ उसमें, अब वहाँ पे क्या करेगा, जंप करेगा, आप देख सकते हो, ठीक है। यानी ये स्पार्क प्लग में आप समझ चुके होंगे, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 8 सिलेंडर, तो 8 सिलेंडर इंजन जो है उसका किस तरीके से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे फायरिंग ऑर्डर भी नीचे लिखा हुआ है 1, 8, 4, 3, 6, 5, 7, 2, जो मैंने आपको बताया था पहले कि अभी तक हमने 4 और 6 सिलेंडर के बारे में स्टडी किया है, लेकिन 8 सिलेंडर में क्या होता है, तो कि यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए आप समझ सकते हो 1, 8, 4, 3, 6, 5, 7, 2, ये 1, 8, 4, 3, 6, 5, 7, 2, और उसी तरीके से हर एक स्पार्क प्लग में क्या हो रहा है, स्पार्क हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो आसानी से। अब यहाँ पे मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम जो आपको समझाने के लिए सिर्फ बताए हुए, वहाँ पे बैटरी की जगह क्या होता है, सिर्फ मैग्नेट होता है, बाकी सब कुछ उसके जैसा ही होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इग्निशन स्विच है, वहाँ पे पावर सप्लाई हो रहा है, और एक लाइन जो है वो कहाँ जा रही है, तो कि कॉन्टैक्ट ब्रेकर में, दूसरी लाइन कहाँ जा रही है, सीधी डिस्ट्रीब्यूटर में जा रही है येल्लो कलर की, और जो डिस्ट्रीब्यूटर में जा रही है डिस्ट्रीब्यूटर में से स्पार्क क्या हो रहा है, स्पार्क हो रहा है, यानी कि स्पार्क लग रहा है। यहाँ पे अब हम इग्निशन को देखते हैं, कि यहाँ पे हमने ये तो देख लिया कि इग्निशन सिस्टम कैसे काम करती है,
लेकिन अब हमारे लिए ये है कि कौन से टाइम पे इग्निशन होना चाहिए। यहाँ पे हम देखें तो इग्निशन वन लिखा है, इग्निशन टू लिखा है और इग्निशन थ्री लिखा है। इग्निशन वन क्या है, जैसे हम नीचे की तरफ एंगल देखें, आप देख सकते हो कि ये जो है, यहाँ हम लेफ्ट से शुरू करें तो ज़ीरो, अब वहाँ पे क्या है तो कि जैसे हम देखें 75, 50, 25 और ज़ीरो, यानी उसका मतलब ऐसा है कि ये कंप्रेशन स्ट्रोक चल रहा है, कंप्रेशन स्ट्रोक, और उस दौरान ये क्या बताया, क्रैंक पोजीशन बताई है कि क्रैंक साफ जो है वो यहाँ पे जो बीच में ज़ीरो लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ज़ीरो लिखा हुआ है, हम नीचे की लाइन की बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस में, तो जो ज़ीरो लिखा है उसका मतलब पिस्टन पूरा का पूरा टी डी सी पे पहुँच चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो तीन लोकेशन बताई है कि अगर 50 डिग्री क्रैंकशाफ्ट अभी रोटेट होना बाकी है और उस दौरान अगर इग्नाइट हो रहा है तो वो बहुत जल्दी इग्निशन हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं टू अर्ली, ठीक है, जिसको हम प्री इग्निशन कहते हैं, जिसको हमारे ऑटोमोबाइल के लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं उसको, प्री इग्निशन। और 25 डिग्री के आसपास आप देख सकते हो यहाँ पे करेक्ट इग्निशन लिखा हुआ है। और इग्निशन थ्री में क्या लिखा है, टू लेट इग्निशन। आप सबसे पहला देखो टू लेट टू अर्ली इग्निशन, तो टू अर्ली जो है उसके अंदर क्या हो रहा है कि जो पावर सप्लाई है वो तो बढ़ गया है, आप देख सकते हो सबसे पहला ग्राफ एकदम ऊपर की तरफ गया, लेकिन जब वो टी डी सी पे पहुँचने के बाद आप ऊपर की तरफ देखो तो ये आप देख सकते हो एकदम जिगजैग पैटर्न बन रही है। अब ये जिगजैग पैटर्न यानी कि वो जो फ्लेम है वो क्या हो जाएगी, अनइवन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो वो फ्लेम क्या हो रही है, अनइवन हो रही है। उसका मतलब ऐसा हुआ कि यहाँ पे सिलेंडर के अंदर नॉक नॉक ऐसी आवाज आएगी जिसको हम नॉकिंग कहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो जिसको डिटोनेशन और नॉकिंग कहते हैं। अगर डीजल इंजन में ऐसा हो रहा है तो हम उसको नॉकिंग कहते हैं, और पेट्रोल इंजन में ऐसा हो रहा है तो हम उसको डिटोनेशन कहते हैं। यानी आप यहाँ पे देख सकते हो जो अगर बहुत ज़्यादा अर्ली इग्निशन हो रहा है तो वो क्या करेगा, डिटोनेशन करेगा। अगर परफेक्ट टाइम पे हो रहा है तो हाँ उसमें पावर सप्लाई थोड़ा कम मिलता है हमको, यानी कि जो पावर है वो हमको थोड़ा कम मिलता है, लेकिन उसका जो इग्निशन है वो क्या हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है। जबकि अगर थोड़ा लेट करते हैं तो आप देख सकते हो जो पावर है हमको वो पहले वहाँ पे जहाँ पे इग्निशन थ्री लिखा हुआ है वहाँ का जो डॉट देखें हम लास्ट वाला, तो वहाँ पे पहले पावर क्या हुआ, लास्ट वाली लाइन पे थोड़ा बढ़ गया, उसके बाद कम हुआ, वापस बढ़ गया, यानी कि और उसका जो पावर है वो बहुत कम है, क्योंकि हमने पावर स्ट्रोक जो है उसका पूरा हम यूज़ कर पाए नहीं है यहाँ पर। यानी कि इग्निशन टाइमिंग फायरिंग ऑर्डर सेट करने के बाद इग्निशन टाइमिंग भी इंजन का सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि अब हम ये सब समझ रहे हैं कि इंजन में पिस्टन वो सब तो हमने लगा दिया, सब कुछ अटैच हो गया, लेकिन अब कौन से सिलेंडर में कब स्पार्क करना है और किस टाइम पे, कब स्पार्क करना है यानी फायरिंग ऑर्डर किस टाइम पे करना है, तो वो इग्निशन टाइमिंग के ऊपर डिपेंडेबल है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि जब अगर इग्निशन में प्री इग्निशन हो रहा है इंजन के अंदर, तो इंजन के अंदर प्री इग्निशन हो रहा है तो वो क्या करेगा, डिटोनेशन की तरफ ले जाएगा। अब आप देख सकते हो अगर ये स्पार्क टाइम यानी जो बीच में जो एरो है वो, अगर इसको हम कैम बोलते हैं, वो कैम अगर थोड़ी भी लेट घूम रही है या ज़्यादा फास्ट घूम रही है तो क्या सिचुएशन हो सकती है, आप समझ सकते हो। और डिस्ट्रीब्यूटर को किससे ड्राइव मिल रही होगी, तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसको कैम शाफ्ट, CAM नॉट अ क्रैंक शाफ्ट, उसको कैम शाफ्ट से ड्राइव मिलती है। क्यों डिस्ट्रीब्यूटर को कैम शाफ्ट से ड्राइव दी जाती है, क्योंकि हमको क्रैंकशाफ्ट के दो रिवॉल्यूशन के अंदर सिर्फ एक ही बार स्पार्क करना है एक सिलेंडर में, इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूटर को किससे ड्राइव देते हैं, कैम शाफ्ट से ड्राइव देते हैं। यहाँ पे आप स्पार्क डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो, और यहाँ पे आप वाल पोजीशन भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो रेड कलर के वो एग्जॉस्ट वाल है और ब्लू कलर के वो इनटेक वाल है। यानी आपको ये समझ में भी आएगा कि मैनिफोल्ड किस तरीके से, और यहाँ पे कैमशाफ्ट ऊपर की तरफ लगाई हुई है आप देख सकते हो, उसका मतलब ये क्या हो सकता है कि ये SOHC, क्यों, क्योंकि एक ही कैमशाफ्ट के ऊपर सभी वाल्स लोकेट हैं और एक ही कैमशाफ्ट है, इसलिए हम इसको SOHC यानी सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट, क्योंकि ये हेड के ऊपर है इसलिए हम इसको सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट। अब हम जब कोई एक सिलेंडर के ऊपर फोकस करेंगे तो हमको समझ में आएगा, पहले हम फायरिंग ऑर्डर को देख ले, तो पहले हमको सिर्फ यहाँ पे रेडियस कलर को देखना है, तो रेडियस कलर देखेंगे सिलेंडर के अंदर तो हमको पता चलेगा सबसे पहले वन में देखें 1 3 4 2,
तो आप समझ पाओगे कि किस तरीके से नीचे फायरिंग ऑर्डर है उस हिसाब से आप सिलेंडर नंबर्स देखना, तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ आपको रेड कलर पे फोकस करना है, तो आपको समझ में आएगा कि पावर स्ट्रोक क्या है। और सबसे पहले हम देखें तो सक्शन स्ट्रोक, यहाँ पे इनटेक वाल्व जो है पहले सिलेंडर में राइट साइड है, दूसरे में लेफ्ट साइड है, तीसरे में राइट है, चौथे में लेफ्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने वो मेरे प्रैक्टिकल में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे क्या था, एग्जॉस्ट जो मैनिफोल्ड है उसको छोटी बनाने के लिए, जबकि यहाँ पे कौन सी मैनिफोल्ड छोटी बनेगी, इनटेक मैनिफोल्ड, और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जो है वो बड़ी बनेगी। और यहाँ पे क्या है, एक ही कैमशाफ्ट के ऊपर सभी वाल्व्स को लोकेट किया हुआ है, जो हमने वीडियो में देखा था, प्रैक्टिकल वीडियो में, उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हो कि उसको क्या है, तो कि नीचे जो क्रैंकशाफ्ट है और ऊपर जो कैमशाफ्ट है, दोनों को बेल्ट ड्राइव से ड्राइव दी जा रही है। किससे ड्राइव दी जा रही है? बेल्ट से ड्राइव दी जा रही है। अगर ये कैमशाफ्ट नीचे की तरफ होती, तो कैमशाफ्ट नीचे की तरफ होती तो वहाँ पे पुश रोड, रोकर आर्म और वो सब असेंबली लगानी पड़ती। लेकिन यहाँ पे एक काम अच्छा रह जाता है कि वो सब असेंबली लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एसओएचसी में। और उसमें इसमें क्या आता है, कैमशाफ्ट है और सीधा वो किसके साथ कनेक्टेड होता है, तो कि वाल कैप से सीधा वाल की टिप के साथ। और यहाँ पे आप सब मोमेंट देख रहे हो, तो आपको समझ में आएगा। कोई एक सिलेंडर पे फोकस करोगे तो आपको सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप नॉर्मल कंबसन देख सकते हो, जो हमने बात की थी कि यहाँ पे 180 डिग्री पे देखो आप, तो पिस्टन नीचे की तरफ है, यानी कि सबसे नीचे की तरफ आप देखोगे तो पिस्टन नीचे की तरफ, यानी सक्शन पूरा हो चुका है, अब कंप्रेशन स्टार्ट हो रहा है। क्रैंक्स आपके 90 डिग्री होते हैं तब कंप्रेशन आधा हुआ है, और बाद में 0 डिग्री जैसे होता है आप देखोगे यहाँ पे 0 डिग्री, तो पिस्टन TDC पे पहुँच चुका है। लेकिन TDC पे पहुँचने से पहले आप यहाँ पे देखो तो स्पार्क प्लग क्या कर रहा है, स्पार्क कर रहा है। तो हमको 0 डिग्री के बाद, यानी आप यहाँ पे देख सकते हो 10 to 12 degree बिफोर TDC यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पार्क हो रहा है। आप 8 से 18 डिग्री बोल सकते हो, क्योंकि हर एक इंजन में उसके हिसाब से वेरीड होता रहता है कि उसके डिज़ाइन और उसके पावर आउटपुट के हिसाब से। तो हम 8 to 18 degree, 8 से 18 डिग्री बोलेंगे। और एक बात है, यहाँ पे पिस्टन जो है वो TDC पे पहुँच रहा है, उस दौरान ही हमको क्या मिल रहा है, पावर मिल रहा है, यानी कि हमारा जो पावर स्ट्रोक है वो कंप्रेशन के एंड के 8 से 18 डिग्री पहले ही शुरू हो जाता है, तभी ये नॉर्मल और हमारा पावर स्ट्रोक लंबा चले। इसलिए हम क्या करते हैं, सिलेंडर के अंदर कंप्रेशन के एंड से पहले ही हम उसको क्या कर देते हैं, इग्नाइट कर देते हैं फ्यूल को, कि हम पावर स्ट्रोक का पूरा यूज़ कर पाए। और दूसरी बात क्या, तो कि हमारा जो फ्यूल है वो कंप्लीट कंबस्शन हो जाए उसका। अब एक बात है, आगे हम देखें यहाँ पे, तो के नॉर्मल कंबसन अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है, तो कि जिसकी वजह से पावर जो एकदम पिक लेवल पे पहुंच गया और उसके बाद साइलेंटली क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है। यहाँ पे कोई भी, जिस तरीके से आप यहाँ पे डिटोनेटिंग फ्लेम देख रहे थे, उस तरीके से यहाँ पे कोई भी तरीके से डिटोनेशन नहीं दिख रहा है हमको। अब आगे देखें तो नॉर्मल कंबसन, यहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉर्मल कंबसन में क्या हो रहा है, कि ये पिस्टन जो है राइट साइड वाली फिगर में अप डाउन हो रहा है और अंदर कंबस्टन हो रहा है, वो किस तरीके से एकदम प्रॉपर कंबस्टन हो रहा है। और फ्यूल स्प्रे क्या हो रहा है, साइमुलेशन यानी साइमल्टेनियसली बहुत अच्छे से हो रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है हमको, ठीक है। ये नॉर्मल कंबस्टन है, जबकि एबनॉर्मल कंबस्टन में क्या होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे एबनॉर्मल कंबस्टन में यहाँ पे प्री इग्निशन दिखाया है। आप ध्यान से देखो कि राइट साइड वाला जो इंजन है उसका लेफ्ट साइड में उसका जूम व्यू दिखाया हुआ है। अब जैसे ही पिस्टन TDC पे पहुंचता है तो आप देखो तो स्पार्क प्लग स्पार्क करे उससे पहले ही, स्पार्क प्लग यहाँ पे स्पार्क कर रहा है उससे पहले ही राइट साइड पे आप देखोगे जैसे ये, तो फ्यूल अपने आप इग्नाइट हो गया और उसके बाद स्पार्क प्लग स्पार्क कर रहा है। आप फिर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, जैसे आप यहाँ पे देखो ये फ्यूल इग्नाइट हुआ और स्पार्क प्लग ने बाद में स्पार्क किया, आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये फ्यूल इग्नाइट हुआ और स्पार्क प्लग अब आप देखोगे तो बाद में स्पार्क हो रहा है, यानी कि फ्यूल पहले से इग्नाइट हो चुका है। तो स्पार्क प्लग स्पार्क करेगा उसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ, लेकिन इससे क्या होगा, दो फ्लेम क्रिएट होगी और दो फ्लेम एक दूसरे से टकराएगी, और दो फ्लेम जब एक दूसरे से टकराती है, एक तो खुद
अपने आप इग्नाइट हो गए, सेल्फ इग्नाइटेड फ्लेम। यहाँ पे आप देखो कि सेल्फ इग्नाइट हो रही है फ्लेम वो, और दूसरी फ्लेम कौन सी, तो कि स्पार्क प्लग ने क्रिएट की। अब ये जो दोनों फ्लेमें जब एक दूसरे को टकराती है तो वहाँ पे एक नॉकिंग जैसी आवाज़ आती है और बहुत ज़्यादा खतरनाक ब्लास्ट होता है, और जिसको हम क्या कहते हैं, नॉकिंग या डिटोनेशन कहते हैं। यानी आप देखोगे अब ध्यान से तो आपको समझ में आएगा, ये जब पिस्टन आएगा अब ऊपर, आप देख सकते हो फ्लेम क्रिएट हो गई, अब स्पार्क प्लग ने बाद में स्पार्क किया है। यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, दो फ्लेम क्रिएट होगी जिसकी वजह से ये स्मोक भी है वो अनइवन स्मोक हो जाएगा, और फ्लेम जो है वो भी अनइवन फ्लेम क्रिएट होगी। जो यहाँ पे जो हमको कंप्लीट कंबसन हो रहा था कि एक ही जगह से फ्लेम क्रिएट हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे जो आप देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दो फ्लेम क्रिएट होगी, एक तो ये कंबसन हो गया और बाद में स्पार्क प्लग ने स्पार्क किया, यानी स्पार्क की भी जो फ्लेम आगे बढ़ेगी और यहाँ से जो प्री इग्नाइटेड फ्लेम है दोनों एक दूसरे से टकराएगी, तो वहाँ पे क्या होने के चांसेस है, नॉकिंग या डिटोनेशन। यानी हमको इग्निशन टाइमिंग भी सेट करना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे देख सकते हो इग्नाइटेड फ्यूल। थैंक यू।